भैया जी, ये तो घर नहीं रियासत है। हम तो कहते हैं सिस्टी बेटी राज करेगी यहाँ पर, आप देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल राज करेगी। अरे हमने तो पता लगवाया है कि पांडे परिवार के ना राज के ठाट बाट के ना इत्र पूरे लखनऊ में महकता है, और इनके तो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े कारोबार है। भाभी आप मानो या ना मानो, ये रिश्ता तो भगवान ने ही जुड़ा है। एकदम, एक का भाग कईयों का किस्मत लेके आता है। दीदी देखना, आपकी छोटी बेटी को भी इतना ही बड़ा घर मिलेगा। सच में समधी जी, ध्रुव जी की माता जी नजर नहीं आ रही। मामा जी, मम्मी और मामी जी कैसे आएंगे, वो तो तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, वो कैसे आ सकती है इतनी जल्दी। सुरेंद्र भाई साहब, बात दरअसल यह है कि सुंदर जो होते हैं ना, उन्हें और सुंदर बनना होता है, बस इसी में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाता है। मैंने ठीक कहा प्रधान जी? काका, सभी मेहमानों को शरबत और पानी पूछेगा। थैंक यू। चिड़ियाघर से अच्छा है आपका घर। शुक्रिया। तो कितना रखे हो? क्या दिखाने का टिकट? आपके लिए मुफ्त है, टिकट इंसानों के लिए लगता है। ओके ओके। और गाइड? गाइड वो फ्री है, मुफ्त। अरे धानी बेटा, क्यों परेशान कर रही हो ध्रुव जी को? यहाँ आ जाओ, आओ हमारे पास। अरे कोई बात नहीं सुरेंद्र भाई साहब, घर ही देखना चाहती है ना। ध्रुव बच्चा, घर दिखा दो। चले। अच्छा एक बात बताइए हमें, ये आपको घर दिखाने के बदले में हमें क्या मिलेगा? शायद खुशी से हम आपको ये बता दें कि एक्चुअली घर हमें नहीं, आपकी सृष्टि जी को देखना है। ओके। फिर तो घर दिखाना ही पड़ेगा आपको, तो चले धानी जी। चले आइए। मेरे अपकमिंग जीजू, आपका और दीदी का रिश्ता अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है, तो जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता और आपको अगर दीदी से बात करने का मन करे, तो उससे पहले आपको धानी की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आपकी बात हमसे जम गई, तो समझो दीदी से भी जम गई। हमारे घर में हमें एक ब्लैकमेल, टैलेंट है तुम्हें। थैंक यू। बस कभी घमंड नहीं किया। अब चले। चले। संभाल करा। तो फिर यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से आपको दिखाता हूं। आइए ध्यान से। एक मिनट, वीडियो बना ले। ऑफ कोर्स। चले। रुक क्यों गई? आप क्या चाहते हैं कि दीदी जब ये वीडियो देखे तो उन्हें लगे कि ये कोई साइलेंट शोक सभा टाइप माहौल है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या? तो फिर कुछ सोचिए ना अपकमिंग जीजू। समझ गए? ओके रेडी हो जाइए। रेडी? रेडी। नमस्कार, पांडे निवास में आपका स्वागत है, और हमें ध्रुव पांडे आपके गाइड। आइए, और आज आपको पांडे निवास के हर एक कोने से हाय हेलो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने फेवरेट स्पॉट से हाय हेलो करवाएंगे। आइए ये देखिए, यह घर का वो कोना जहां पर अक्सर हम पाए जाते हैं, हमारा कमरा। एक मिनट। नहीं क्यों? ओ वेट, हम समझ गए। तुम्हें लग रहा कि बॉयज रूम है गंदा होगा, लेकिन नथानी जी, ये पांडे निवास का बॉयज रूम है, वो भी ध्रुव पांडे का, कोई बैचलर पैड नहीं है। और साफ सुथरा देख लीजिए एक बार। नहीं, एक्चुअली वो बात नहीं है, आपका कमरा है और शादी के बाद दीदी का होने वाला है, तो इसे देखने का पहला हक उनका ही बनता है, हम इसे नहीं देख सकते। वाह, खाने में नमक के बराबर ही सही, थोड़ी समझदारी तो है तुम्हें। प्लीज, हमने बहुत स्मार्ट है। मजाक कर रहे हैं। ठीक है आगे दिखाते हैं आपको। आइए। ध्रुव भैया, बाबूजी आपको बुला रहे। ओके, तो फिर आप एक काम करिए, आप खुद से देखिए बाकी का घर, हम ज्वाइन करते हैं आपको। ओके। आइए। रूपा, हमको लगता है कि वो आजमगढ़ चक्की वाले आ गए।
अच्छा है दीदी, आने दो। जब कोई इन्हें हमारे बारे में पूछेगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा, शर्मिंदा होगे तब जाके बुद्धि आएगी इनमें। और अब पता लगाते हैं कि इस कमरे में सॉरी एक्चुअली बिना कुछ कहे बिना पूछे अंदर चले आए। हम धानी हैं, सृष्टि चौबे की छोटी बहन। हेलो। प्रणाम आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाय धानी। हाय धानी, हम पूजा हैं, ध्रुव की भाभी। प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये है बुआ जी और ये मम्मी जी। ओह, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। हम दीदी को जरूर बताएंगे आप सबके बारे में। वैसे एक बात पूछे आपसे। हाँ। आप लोग अब तक नीचे क्यों नहीं आए? वो हम बस नीचे आ ही रहे थे। अच्छा, वैसे तो सिर्फ आप ही तैयार लग रही। आप दोनों भी तैयार हो जाइए ना, क्या है कि सब इंतजार कर रहे हैं नीचे। रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो सबका होना तो जरूरी है ना? नमस्ते। नमस्ते। देख लिया तुमने कैसा मेरठ का कैची जैसा कचर कचर जबान चल रहा था। कहा तो लग जाए धक से। बस इसीलिए हमको छोटे घर की लड़की पसंद नहीं है, न तमीज न तौर तरीका। बिना नाक किए सीधा कमरे में घुस आई। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि लड़कियां पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। ये होते हैं संस्कार का, किसी के कमरे में घुसकर बिना पूछे न्यूज रिपोर्टर की तरह वीडियो बना रही थी। वही तो रूपा। अरे वीडियो तो बनाएगी ना, तभी तो आटा चक्की में बैठ के कैलकुलेट कर पाएगी कि ध्रुव जैसी बड़ी हस्ती हफ्ते चढ़ी है। दीदी, छोटी ऐसी है तो बड़ी तो इससे भी दो कदम आगे होगी, है ना? तो तैयार है अब से। ये चार पांच लोग हमको ताकीद कर दिया। ध्रुव बाबू की माँ कहाँ है और वो बुआ कहाँ है? वो अब तक काहे नहीं आए नीचे? जाइए, मना कर लाइए। अरे बाबा, हम कैसे? देखिए, हम अगर गए ऊपर, जो पारा है ना, इनका पारा चढ़ा हुआ और ऊपर चढ़ जाएगा। जाइए, मना के लाइए, मनाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अरे दाम आता है, घर घर पूछ लीजिए। सत्वचन पापा। सुना, जा विजय भाव, चढ़ जा भाई, चढ़ जा। ऑल द बेस्ट। जा, निकल ले। मेहनत से आपको वीडियो बनाकर भेजे और आप देख भी नहीं रही। वो डबल टिक हो चुका है पर ब्लू टिक नहीं हो रहा, मतलब वीडियो पहुंच चुका है पर आप देख नहीं रही। आज घर में तेरा शोर नहीं है ना, तो बस पढ़ाई में मन लग गया, फोन पे ध्यान ही नहीं गया। ओ प्लीज दीदी, ओले लेले वाली मासूमियत ना आपके अपकमिंग जीजू के लिए बचा कर रखना, हमें सब पता है। आपका मन यहाँ पांडे निवास में बना हुआ है तो वहाँ पढ़ाई में कैसे लगेगा? ओफो माय डियर सिस्टर, दूसरों के घर में तो कंट्रोल रख ले। अरे कंट्रोल में आप नहीं रहेंगी जब आप वीडियो देखेंगी। जल्दी से वीडियो देखिए और हाँ, ऑनलाइन रहिएगा क्योंकि रस्म शुरू होने वाली है और हम आपको चुपके से वीडियो कॉल करेंगे, पूरी सेरेमनी दिखाएंगे। ठीक है? ओके ओके बाय। नमस्कार, पांडे निवास में आपका स्वागत है और हम आपके गाइड ध्रुव पांडे। और आज आपको पांडे निवास के हर एक कोने से हाय हेलो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फेवरेट स्पॉट, हम आपको वो दिखाएंगे पहले। ठीक है सर, आइए। तुम कहाँ? वो बुआ जी
प्लीज प्लीज एटलीस्ट हमें तो नीचे जाने दीजिए प्लीज बुआ जी। अच्छा तुम 2 साल से मायके नहीं गई ना जी, तो आज ही चली जाओ और 2 साल तक वापस मत लौटना। अरे पूजा तुमको इतना सा बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? वहाँ नीचे हमारे खिलाफ गुटबाजी हो रहा है और तुमको उसका हिस्सा बनना है। जाओ नहीं चली जाओ। अरे अरे नहीं बुआ जी, हम आप ही की टीम में। पर वो क्या है ना, क्या पूजा पर क्या हा? हम माँ है ध्रुव की, रिश्ता होने जा रहा है हमारे बेटे का, लेकिन एक भी राय मशवरा नहीं किया गया हमसे, तो फिर हम नीचे क्यों चले जाए और कैसे जाए? अरे पर मम्मी जी बुआ जी आप लोग कौन है? माँ, बुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। अरे आपके बगैर ये रस्म कैसे पूरी होगी? चलिए नीचे चलिए चलिए। कहा तो लग जाए धक से। अरे अब हमको बुलाने का मेंटालिटी करने का भी क्या जरूरत? बुआ, मेंटालिटी नहीं, फॉर्मेलिटी। ये भी करने का क्या जरूरत है? बाप और बेटा राजी तो क्या करेगी बुआ माँ और भाभी? इतना सब तो कर ही लियो हमारे बिना, तो रक्षा भी कर लो हमारे बिना। जब तू छोटा था तो मम्मी 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 करके हमारे पीछे घूमता था, और अब बड़ा हो गया है तो अपने पापा के साइड हो लिया। बचपन में जब तू नाराज होता था ना तो सबसे कट्टी कर लेता था। जा, आज मैं तुझसे नाराज हूं, आज मैं तुझसे कट्टी हूं। आपको याद है ना, आप ही ने सिखाया था कि बड़ों के बीच में छोटों को नहीं भूलना चाहिए। बस इसीलिए चुप हूं, और आप और पापा हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करके कट्टी कर लेते थे, और फिर उसी मैटर को सॉल्व करके खुद ही पट्टी भी कर लेते थे। और फिर हमें लगा इस बार भी आप इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लेंगे। रहने दे ध्रुव, मुझे पता चल गया है कि इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। माँ, आपको पता है पापा ने इस मकान को कितनी मेहनत से खड़ा किया है, लेकिन इस मकान को घर किसने बनाया? बुआ ने और आपने। तो फिर कैसे नहीं हुई वैल्यू आपकी? अब वकील तो है नहीं कि हम दलील पेश करें, लेकिन एक सवाल जरूर करेंगे, हमारी खुशी आप लोगों के लिए कितने मायने रखती है? ये कैसा सवाल है? तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। तो फिर बस इस रिश्ते में हमारी खुशी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज नीचे चलकर हमारी इस खुशी को आशीर्वाद दीजिए। सिर्फ तेरे लिए। यजमान बरअच्छा के लिए लड़के को बुला लीजिए। बचुआ, टाइगर को बुलाइए। जी पापा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी दीदी की शादी की पहली रस्म शुरू होने जा रही है। धानी, क्या कर रही है तू? ऐसे वीडियो कॉल मत कर, किसी ने देख लिया तुम? ओहो दीदी, हम आपके लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप भी शर्मा रही है। तुम देखो तो सही अच्छे से, एक मिनट।
समरी जी, वो ध्रुव जी की मम्मी जी और बुआ जी दिखाई नहीं दे रही। हम यहाँ है। दीदी हमारे सौजन्य से लो, आपकी होने वाली सास बुआ सास मेरी अपकमिंग जीजू और जेठानी पधार रही है। दानी वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा है। अरे दीदी नेटवर्क इशू होगा, पर आप टेंशन मत लो, आफ्टर ऑल यहीं पर तो आकर रहना है आपको, रोज लाइव टेलीकास्ट देख लेना है ना। सुनो भाई साहब, इनसे मिलिए, हमारी बहना है। नमस्ते बहन जी। इस घर में इनके बिना पत्ता नहीं हिलता, और ये हमारे साहबजादे ध्रुव जो हैं, इनका और इनका बहुत प्यार है आपस में। अब आपके मन के अंदर ये सवाल भी उठेगा कि हमारे जीजा जी कहाँ हैं, जो अभी अभी हमने नाम लिया राजा राम पांडे जी। उनको तो इस देश में एक खिताब मिलना चाहिए कि इस देश का सबसे ईमानदार अफसर। इतने ईमानदार हैं कि उनकी हर 6 महीने में पोस्टिंग हो जाती है। तो हमने कहा कि बच्चों का स्कूल का हर्जा होगा, तो आप अपनी पोस्टिंग कीजिए, अपना काम कीजिए, हमारी बहना यहाँ रहेगी बच्चों के साथ, और आप हमारी एकमात्र धर्मपत्नी श्रीमती रूपा पांडे जी। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिल करके। अब सब लोग यहीं खड़े रहेंगे, जिस काम के लिए आए हैं वो तो शुरू करो। चलिए आप लोग। बदतमीजी है, ये लोग इतनी गंदी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं तुम्हारे फैमिली के बारे में? देख रही हो, हमारे घर में खड़े होकर हमें ही गरिया रहे हैं। बस बस बस, बहुत हो गया, अभी के लिए काफी है, बस रहने दो। अरे गाने दीजिए, ट्रेडिशन है, इसमें लड़की वाले लड़के वालों को जी भर के गालियां देते हैं और इसे बहुत शुभ माना जाता है। आप गरियाई, आप गरियाई। बने सिकंदर जीजू बंदर, बने सिकंदर जीजू बंदर, सीधा बाहर तेरा अंदर, सीधा बाहर तेरा अंदर, सरा रा रा जगीरा, सरा रा रा सरा रा रा। देवर जी, हमें नहीं पता था कि आप ऐसे भी हैं। हमें लगता है आपकी ये साली ना आज आपका नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के ही जाएगी। इसका बदला तो हम लेंगे मिस धानी चौबे, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। कहब तो लग जाई थक से। हाँ, अरे इतना बेइज्जती तो हमारा कभी नहीं हुआ। रसम के नाम पर हमारे मुंह पर गोबर लीपे दे रहे हैं, हम बस खड़े खड़े पत्ती सी चमका रहे। अब और क्या बाकी रह गया है? काशी को भी क्या जरूरत थी इन देहातियों से ध्रुव का रिश्ता जोड़ने की? भाभी आपका तो कोई मैच ही नहीं है इस फैमिली के साथ में। हमारे ध्रुव को तो कितने अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाते, कहाँ दीवार पर जाके सर मारा काशी भाई साहब ने। हमारा काशी इतना भी बावला नहीं है, इन लोगों ने जरूर कोई जादू टोना किया होगा, अभी तो दोनों इनके नाम की माला जप रहे हैं। बस दीदी, अब बात बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी है।
ये लोग तो शादी से खुश नहीं, दीदी यहाँ कैसे खुश रहेंगी।